प्रणाम सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की जो एक छोटी सी क्विक वीडियो मैंने बनाई है, इसमें हम बात करेंगे नाभि से रिलेटेड, मतलब नाभि गिरना जो एक प्रॉब्लम होती है योग में, नेचुरोपैथी में। सबसे पहले हम नाभि को चेक करते हैं। नाभि जो है वो पूरे शरीर की बैलेंसिंग है, एक टाइप से मणिपुर चक्र जो है वो अपनी जगह से हिल जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन ख़राब रहता है, मूड चिड़चिड़ा रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं। ये वीडियो मैंने स्पेशल बनाई है नाभि चक्र को ठीक करने के लिए, कि नाभि चक्र को, नाभि को कैसे हम सेंटर में लेके आएँ। बहुत ही सिंपल सी, आसान सी विधि है। सबसे पहले हम सीखेंगे चेक कैसे करना है अपनी नाभि ठीक है कि नहीं है। सबसे पहले चेक करने के लिए देखो, अपनी हथेली की लाइनों को देखिए। बहुत ही आसान तरीका है, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये चार लाइनें हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान है, जो हर कोई कर सकता है, वो मैं बता रहा हूँ। ये चार लाइनें आपको नोट करनी है। अब ऐसे ही इस हाथ में भी यही चार लाइन है, ऐसे ही इन दोनों पैर मिला के, इस टाइप से दोनों पैर मिलाएंगे और सीधे खड़े होंगे, और दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे मिलाएंगे, पहली लाइन मिलाएंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर फोर्थ। अगर वो बिल्कुल एक लाइन में हो, मतलब आपस में टच हो जाएं सारी लाइनें, खासकर लास्ट वाली जो लाइन है, अगर टच हो जाए तो मतलब नाभि आपकी ठीक है। और अगर ऊपर नीचे आई, अगर नाभि आपके सेंटर में नहीं होगी, तो क्या होगा कि जो ऊपर की जो लास्ट जो लाइन है वो आपकी थोड़ी ऊपर नीचे आएगी, तो उस टाइम आप समझ लेना कि नाभि सेंटर में नहीं है। दूसरा तरीका है, आप अपनी नाभि को लेट के किसी और से प्रेस करवा के आप देख लो, अगर वो बीच में आपकी बिल्कुल नाभि के नीचे अगर एक धड़कन है तो ठीक है, नहीं तो अगर साइड में है कहीं तो भी वो अपनी जगह से हिली हुई है। तो ये नाभि जो है एक टाइप से बैलेंसिंग है हमारे पूरे शरीर की। तो इसको जो ठीक कैसे करना, आज एक मेरे पास इंक्वायरी आई थी, ऐसे किसी ने पूछा था, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि बहुत बार लोग पूछते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं, कोई कैसे ठीक करता है, कोई कैसे, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है और जो सबसे इफ़ेक्टिव मुझे लगा है, वो मैं बता रहा हूँ। चेक करने का तरीका है अपनी उंगलियों की ये लाइनें मिलाना, या फिर अपनी नाभि को चेक कर लेना। हल्का हल्का पेट में दर्द रहता है, लूज मोशन लग जाते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, मेनली डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मूड फ्लक्चुएशंस होती है नाभि गिरने की वजह से, एक टाइप से पूरे शरीर की बैलेंसिंग ख़राब हो जाती है। तो ठीक करने का क्या तरीका है, दोनों पैर मिला के सीधे खड़े होंगे और एक हाथ को सीधा सामने कर लेंगे, ऐसे थम्सअप कर लेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद करके अंगूठा ऊपर, और जो दूसरा हाथ है उससे यहाँ अपने एल्बो के जॉइंट के ऊपर ऐसे हल्के ऐसे प्रेस करेंगे। ये प्रेस किया, हाथ सीधा रखा, और फिर अंगूठे को यहाँ शोल्डर के ऊपर टच करेंगे, देखो झटके के साथ, इसको दबा के रखना है और झटके के साथ सामने देखते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। इस हथेली को यहाँ प्रेस करके रखना है, 10 बार करेंगे जब तक। ऐसे ही फिर दूसरी साइड करना है, ऐसे ही दूसरी साइड, हाथ सीधा किया, दूसरे हाथ से हथेली से प्रेस किया एल्बो जॉइंट को अंदर की तरफ, और इस टारगेट है हमारा ये अंगूठा यहाँ कंधे पे टच हो झटके के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 10 बार दोनों साइड हो गए। उसके बाद अपनी लाइनें चेक की, अगर लाइनें आपकी सेट हो गई, एक स्ट्रेट लाइन में आ गई, सारी लाइनें आपस में मिल गई, तो फिर आप छोड़ देंगे इसको। अगर नहीं हुई तो फिर एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, 10 10 बार, 2 3 बार रिपीट करेंगे, ठीक हो जाएगी। और इस एक्सरसाइज को आप खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव है, खाली पेट हो, चाहे वो इवनिंग में हो चाहे मॉर्निंग में हो, मॉर्निंग में ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब आप इस एक्सरसाइज को मॉर्निंग में करेंगे तो नाभि आपकी सेट हो जाएगी। उस दिन आप थोड़ा सा हैवी वर्क अवॉइड करें, कोई भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थोड़े से शरीर का ध्यान रखें, एकदम झटका ना लगने दें, एक दिन करें, फिर दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, 2 3 दिन लगातार करेंगे, प्रॉपर सेट हो जाएगी नाभि, वहीं पे फिक्स हो जाएगी आपकी। और उसके अलावा भी जब भी काम करें, कोई एक्सरसाइज करें, या कोई चलते फिरते टाइम अपने पोस्चर का ध्यान रखें, अपनी बैलेंसिंग को, कभी एकदम से किसी एक साइड ज़्यादा झटका लग जाता है तो प्रॉब्लम होती है, नाभि आपकी ठीक रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार चिंता करने की वजह से भी नाभि आपकी एक जगह से खिसक जाती है,
मेन अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहना ज़रूरी है। बाहर की चीज़ें ना खाएं, खान पान का ध्यान रखें। मेडिकल साइंस नाभि को नहीं मानती, वो कहती कि पेट में इन्फेक्शन हो गया या कुछ बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया है वो कई बार एंटीबायोटिक वगैरह खा लेते हैं तो उससे भी पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी चीज़ें आप फॉलो करें। लेकिन साथ में जो ये नाभि वाला सिद्धांत है इसको भी आप, अगर बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम चली हुई है तो फिर आप नाभि चेक करें अपनी। पेट में हल्का दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो एक बार नाभि चेक करना ज़रूरी है। योगा थेरेपी से पहले, नेचुरोपैथी से पहले ना, और आयुर्वेदिक पंचकर्मा या कोई भी थेरेपी लेने से पहले एक बार नाभि ज़रूर चेक कर लें। अगर नाभि सेट है आपकी तो उसके बाद जो भी आप मेडिसिन या जो भी ट्रीटमेंट लेंगे वो प्रॉपर काम करेगा। अगर नाभि सेट नहीं है तो उसको इस एक्सरसाइज के थ्रू आप ठीक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, धनुरासन से करते हैं, अर्धहलासन से, उत्तान पादासन से, बहुत सारे आसन हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब, वो किसी इंस्ट्रक्टर की देखरेख में ही आप कर सकते हैं। लेकिन इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को बहुत बस 10-10 बार करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार रिपीट कर ली, और ज़्यादा भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अपनी बीच में करने के बाद अपनी लाइनें मिला के देखना, जब लाइन मिल जाए तब छोड़ देना। और दूसरा तरीका ये भी, इसको थोड़ा सा आप खींच सकते हैं। कई लोगों की जो हल्की फुल्की इधर उधर हो तो वो, जैसे मान लो जो ये लाइन छोटी आई इधर नीचे की तरफ, तो इसको ही खींच के थोड़ा सा झटके से किसी से खिंचवा लिया तो उसी से ठीक हो जाती है। कई लोगों की जो पुरानी होती है उसमें ये हो सकता है कि कई बार आप ठीक करो फिर 2-4 दिन में फिर से वापस अपनी जगह से हिल जाए, तो उसको हफ्ते 10 दिन में आप रिपीट करते रहें इस एक्सरसाइज को, धीरे धीरे वो फिक्स हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इसको अपनी एक बार अपने नाभि का टेस्ट सब जरूर कर लें, और अगर नाभि अपनी जगह ठीक नहीं है तो आप एक बार उसको ठीक करने की कोशिश करें, इस एक्सरसाइज को करें। और भी एक्सरसाइज और भी मेथड है, उनकी भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़े मुश्किल हैं, तो आसान है ये सबसे और सबसे इफ़ेक्टिव भी है। जिन लोगों का आसनों से नहीं ठीक हुआ वो इस एक्सरसाइज से हो गया है, तो इसको एक बार अप्लाई करें, उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस हो मेरे साथ शेयर करें, वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ, कमेंट करें, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।